बहुत सताया है शहर वालों ने, आपको बहुत सताया बापू। ये लोग अपने आप को बॉलीवुड के वो सितारे समझते हैं, जैसे ये लोग बॉलीवुड को हॉलीवुड के आगे ले जा सकते हैं। अपने ये डुप्लीकेट शक्ल लेकर लड़कियों को पटाने का बिजनेस खोल रखा है इसने। बाहर जाके खुद को असली वाला फील करा के लोगों के साथ एक्टिंग करता फिरता है ये लोग। विलेन समझ के अपने ही दोस्तों को लातों से कुचल देते हैं लोग। वीडियो बनाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ये नहीं सोचेंगे इनके फैमिली वाले क्या सोचेंगे, इनके बच्चे क्या सीखेंगे इनको देख के। खुद को असली समझने वाले ये बेताल वीडियो में कुछ भी बोलते हैं। बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे, एक्टिंग का तो बात ही मत करो। जैसे इनका शक्ल दूर दूर तक असली एक्टर वाले जैसा नहीं मिलता, वैसे इनका वीडियो में दूर दूर तक कहीं एक्टिंग नहीं दिखता। और टाइमिंग की तो बात ही मत करो, विलेन को मारेंगे अब, साउंड आएगा 10 साल बाद में। बंद करो हाथ जोड़। तो आ गए सब लोग। लोग कहते हैं दुनिया में एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं। अब किसने कहा, कब कहा, क्यों कहा, किसके लिए कहा, मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं यार। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है। चलो एक बार को सुनो, अगर तुम्हारा शक्ल किसी हॉलीवुड के एक्टर या एक्ट्रेसेस से मिलता हो तो तुम क्या क्या करोगे? लोगों के साथ उमंगल पर प्रैंक करोगे या फिर मजे लोगे? मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा तो आज हम लोग ऐसे कुछ लोगों से मिलने वाले हैं जिसका शक्ल बॉलीवुड के कुछ सितारों से मिलता जुलता है और वो अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। और वो लोग उस शक्तियों का पूरा मजा भरपूर से उठाते हैं। तो आओ फिर आज ऐसे कुछ बिना टैलेंट और बिना हार्ड वर्क किए हुए जस्ट बिकॉज ऑफ थोड़ा शक्ल मिलने से लाखों में फॉलोअर्स ले जाने वाले कुछ भैंसी दरिंदे से मिलने वाले हैं, जिसे देख के तुम लोगों के मुंह से बस एक ही शब्द निकलेगा, ये तो टट्टी है। तो पहले नंबर पे आ रहे हैं बॉलीवुड के सिंघम उर्फ अजय देवगन। तू मुझे जानती नहीं है, पसंद आया तो दिल में, नहीं तो दिमाग में भी नहीं। नहीं 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 नहीं, इतना बड़ा ब्रांड भी नहीं चाहिए यार, कुछ सस्ता दिखाओ जो हमारे बजट में आ सके। ये हमारे बजट में नहीं आ सकते यार। तू मुझे जानती नहीं है, पसंद आया तो दिल में, नहीं तो दिमाग में भी नहीं। अब देखो ये 2 रुपीज वाले सस्ते अजय देवगन बनने फिर रहे, ये मुर्गी चोर जैसे दिखने वाला आदमी का एक्टिंग देखो, इसका ये जबरदस्ती किया हुआ ये एक्टिंग देख के अगर गलती से भी अजय देवगन सर ने देख लिया वो तो बस एक ही बात बोलेंगे, बहुत सताया है शहर वालों ने, आपको बहुत सताया बापू। नहीं इतना भी किसी को क्या कॉपी करना है यार, भाई इसने ग्लासेस तो कॉपी कर ली पर इसका चॉइस बहुत ही घटिया निकला, बिल्कुल इसकी हरकतें जैसा। और ये इसका एक्टिंग भाई भाई, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। उनके डीएसपी से बात कर रहा है, डीएसपी से। और आप बाजीराव सिंघम से, जो सही के साथ सही और गलत के साथ सही करने की हिम्मत, ताकत और जुर्रत रखता है। नहीं एक्टिंग ऐसा थोड़ी होता है, प्रोड्यूसर करोड़ों पैसे वेस्ट करके स्क्रिप्ट लिखते हैं, लाइटिंग बनाते हैं, एक सही एंगल बनाते हैं, और वो नहीं चाहिए, बस ये चाहिए। की जरूरत है दम। तू इस जोन के डीएसपी से बात कर रहा है, डीएसपी से। और आप बाजीराव सिंघम से, जो सही के साथ सही और गलत के साथ सही करने की हिम्मत, ताकत और जुर्रत रखता है। क्या है? नहीं असली बाजीराव सिंघम तो ये चिलगोजा है ना, ये तो बस नाम के ही है। और फिर से इसका ये एक्टिंग, मन तो करता है इसका उंगली किसी पत्थर के नीचे लेकर मसल दूं, ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी, इतना गंदा कोई कैसे एक्टिंग कर सकता यार। और टाइमिंग को तो इसने बड़ा पाव में डाल के पिछले साल ही निकल गया था, उसे दूर दूर तक इसका कोई लेना देना नहीं है। सही बात है। और डीएसपी बने फिर रहे गरीबों का ये रामपाल यादव, इसे कोई सस्ते नशे का सेवन कराओ। एक तो ये सस्ते अजय देवगन बने फिर रहे, ये 2 रुपीज वाले अजय देवगन को हम लोग जैसे तैसे झेल रहे, और तुम्हारा भी एक्टिंग कुछ वैसा ही है। तुम लोग ये एक्टिंग कर रहे हो कि एक दूसरे को समझा रहे हो? भाई यार बाजू वाली कविता तो मेरे से सेती नहीं हुई, भाई तू ही कुछ आइडिया दे दी यार। देख भाई यार, अगर तू मेरे जैसे कपड़े लगा के जाएगा और बोलेगा देख कविता मैं तेरे को प्यार करता है, तेरे लिए गुटका खाना भी छोड़ दिया, क्या तू मुझे प्यार करेगी? तो छोटे से पट जाएगी। अंग्रेजी में कहावत है एंगर, किसी और को सुनाना, मैं सिर्फ एक जुबान समझता हूं हिंदुस्तानी, और उसमें एक कहावत है 100 सुनार की और 1 लोहार की। हाय हाय इसका ये एक्टिंग, मुझे 2 ही चीजों से डर लगता है, एक एग्जाम और दूसरा ये इसका ये गरीब वाले एक्टिंग, कहीं ये दोनों फेस करके मैं मर ना जाऊं। और क्या समझता है तू? अंग्रेजी में एक कहावत है एंगर, किसी और को सुनाना, मैं सिर्फ एक जुबान समझता हूँ। बोलो जुबान तीसरी। अब देखो क्योंकि मुझे इस पे वीडियो बनाना ही था तो मैंने इसका बहुत सारा वीडियो देख रखा था, तो मुझे इसका एक्टिंग सहने का सहन शक्ति डेवलप होने ही लगा था, फिर मेरे सामने ये वीडियो आया। अरे
कितना जोड़ी है तुम दोनों का, एक थूका हुआ पान और दूसरा बीमल खाए बार बार। मैं तो बोलता हूँ तुम लोग कोई ढंग से एक पंडित देखो और तुम दोनों हाथ पीले कर लो। अरे यार कपड़े तो बदल, एक्टिंग ना बदल पाया चलो कोई ना, और चॉइस कितना घटिया है तेरा, ये मर्दों वाले शक्ल का लड़की या क्या पता लड़का ही हो, इतना घटिया तेरा चॉइस है भाई, इतना भयानक तुम दोनों का शक्ल है। मैं तो बोलता हूँ मुझे तुम दोनों का शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। आज तू ये तो था बॉलीवुड के कुछ सस्ता अजय देवगन। अब जब अजय देवगन की बात हो ही गई है तो इसमें अपना सलमान भाई भी कहाँ पीछे है। असली वाला नहीं बात कर रहा हूँ, डुप्लीकेट वालों की बात कर रहा हूँ। तो आओ फिर ऐसे कुछ सस्ते सलमान भाई का कुछ सस्ता एक्टिंग देखते हैं, जिसे देख कर अपना सलमान भाई बस एक ही बात बोले थे, हाँ मैं तुम्हें जबरदस्ती उठा के ले गया हूँ, हाँ मैं तुम पर चीख रहा हूँ। कहाँ गई थी, ये सब खुला छोड़कर? कुछ चाहिए आपको? कितने की है? अभी ये क्या है, इतना सस्ता सलमान भाई? सलमान भाई का कुछ भी मैच नहीं हो रहा, ना शकल ना एक्टिंग और मूछे, मूछे की तो बात ही मत करो, इतना सस्ता लो बजट की मूछ भी अफोर्ड कर नहीं पाया, पेंटिंग ही बना डाला मूछों का। बहुत भरोसा है अपने आप पर, भरोसा भी है, हिम्मत भी और ताकत। हम तुम्हें इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और पादे कहां से। अबे वो सलमान भाई का सातवां कॉपी का सातवां संतान, साले तू खुद किसी से लाते खाएगा, जैसे तेरा हरकतें है वैसे, और दूसरों को छेद करने की क्या बात कर रहा है? अगर तू लोगों के बीच में बाहर निकल गया ना तो लोग तेरे को खुद इतना छेद करेंगे ना तू भूल जाएगा कि सांस कहां से ले और बातें कहां से। और वीडियो बनाने की तो दूर की बात है, फोन उठाने से पहले भी 100 बार सोचेगा। No, God, please. तो चलो यार आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक ब्यूटीफुल प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर देना अगर आपको अच्छा लगा वीडियो। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।